हेलो एवरीवन गाइस, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा WS Cube Tech के YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडू हिस्ट्री और इवेंट्स के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है, WS Cube Tech एक वीडियो एडिटिंग की सीरीज डेवलप कर रहा है, और अगर आपने अभी तक उसके इंट्रोडक्शन वीडियोज नहीं देखे हैं, इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप जाके उन्हें चेकआउट करें और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर मैं काफ़ी सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको एक बेटर वर्क फ्लो बनाने में मदद करेगी। आपका अंडू रीडू हिस्ट्री वाला वर्क फ्लो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम आज बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, अंडू हिस्ट्री और इवेंट से। तो हम शुरू करेंगे अंडू से। तो अगर आपको प्रीमियर प्रो के अंदर कुछ अंडू करना है, जैसे कि इस फाइल को मैं यहाँ से लाकर यहाँ पर रख देता हूँ और मेरे को इसका लोकेशन यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा और मैं इस फाइल को अंडू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एडिट मेन्यू में यहाँ पे टॉप पे और मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे अंडू पे, और ये फाइल मेरी जहाँ पे थी वो वहाँ पे आ जाएगी। साथ ही साथ आप शॉर्टकट कंट्रोल जेड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस फाइल को वापस यहाँ पे लिया है और मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे कंट्रोल जी, तो ये मेरी फाइल वापस जहाँ पे थी वहाँ पे आ जाएगी। तो आप एडिट मेन्यू में देख सकते हैं कि अंडू रीडू दोनों के ही शॉर्टकट्स हमें यहाँ पर मिले हुए हैं। तो हमें अगर कुछ रीडू करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट जी यूज़ कर सकते हैं या फिर एडिट में रीडू पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अंडू करने का एक और ही बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है हिस्ट्री पैनल के थ्रू। तो अगर आप एडिटिंग वर्कस्पेस में है तो मुझे लगता है आपका हिस्ट्री पैनल ऑलरेडी ओपन होगा, और यहाँ पे अगर आप उसको नेविगेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हिस्ट्री पैनल। तो हिस्ट्री पैनल बेसिकली बताता है कि हमने प्रीमियर प्रो के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। अगर आपका हिस्ट्री पैनल ओपन नहीं है तो आप यहाँ पे ऊपर विंडो मेन्यू में जाके हिस्ट्री पैनल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे सेलेक्टेड दिखा रहा है क्योंकि मेरा पैनल ऑलरेडी ओपन है। अगर आपका पैनल ओपन नहीं है तो आप यहाँ से अपने पैनल को ओपन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोर्स के दौरान कहीं पे भी आपको कोई पैनल में दिक्कत आ रही है, कोई आपका पैनल नहीं आपको मिल रहा है, तो वो हमेशा आपको विंडो मेन्यू के अंदर मिलेगा। तो आप विंडो मेन्यू में जाके कोई भी पैनल्स एनेबल कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं कि हमारा हिस्ट्री पैनल कैसे काम करता है। अब जैसे कि देखिए, इस वीडियो को मैं यहाँ से लेकर यहाँ लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे हिस्ट्री में एक इवेंट लॉग हो गया। अगर मैं कुछ कट करता हूँ तो देखिए एक और इवेंट लॉग हो गया हमारा। अब मुझे लग रहा है कि ये कट मैंने गलत लगा दिया है, कट मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे हमारे हिस्ट्री पैनल में और मैं देखूँगा कि इस कट से पहले मैंने क्या किया था, और मैं उस चीज़ पर क्लिक करूँगा तो वो चीज़ रिवर्स हो जाएगी। देखिए आप, वो चीज़ अंडू हो गई यहाँ पर। अगर मैं रीडू करना चाहता हूँ तो मैं वापस नेक्स्ट वाले एक्शन पे, जो नेक्स्ट वाला इवेंट है हमारा, उस पर वापस क्लिक कर दूंगा और वो चीज़ रीडू हो जाएगी। तो ये काफ़ी स्मार्ट और इंट्यूटिव वे प्रोवाइड करता है हमें काम करने का। अगर हमें पता है कि हमें मल्टीपल अंडूज करने हैं तो हमें बार बार कंट्रोल जी या फिर एडिट मेन्यू में जाके अंडू करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें मल्टीपल रीडूज भी करने हैं, हमें बार बार कंट्रोल शिफ्ट जी करने की ज़रूरत नहीं है। हम हिस्ट्री पैनल के थ्रू जा सकते हैं और मान लीजिए इस पैनल में मैंने जो भी किया और मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं जाऊंगा हिस्ट्री पैनल में और न्यू और ओपन वाली स्टेट जो थी, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हुआ था या फिर नया प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था, उस वाले इवेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा और मेरा प्रोजेक्ट रिस्टोर हो जाएगा। तो एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ अंडूज ही कर सकते हैं। हमारी रैम लिमिटेड होती है, हमारे पास स्टोरेज लिमिटेड होती है, हमारी कैश मेमोरी लिमिटेड होती है, तो हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ अंडूज ही उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो प्रीमियर प्रो हमें मैक्सिमम 32 की लिमिट अलाउ करता है अंडू करने के लिए। एक और चीज़ है, अगर आपने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं और आपके पास ये न्यू और ओपन वाला इवेंट आपको दिखाई नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने सारे चेंजेस को कैसे रिस्टोर करेंगे, आप अपनी ओरिजिनल प्रोजेक्ट फाइल के पास कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर आपको फाइल मेन्यू में जाना है गाइस, और फाइल मेन्यू में जाके रिवर्ट वाले बटन को क्लिक करना है। रिवर्ट बटन क्लिक करते ही ये एक प्रॉम्प्ट देगा जो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिस्कार्ड योर चेंजेस, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी चेंजेस हैं वो रिवर्ट हो जाएंगे और डिस्कार्ड हो जाएंगे और प्रोजेक्ट फिर वापस से सेव होगा। तो हम क्लिक कर देते हैं येस पे और इसने हमारे सारे चेंजेस अंडू कर दिए और ये हमारी पूरी प्रोजेक्ट फाइल को रिवर्ट भी कर दिया। तो जिस पोजिशन पर हमारी प्रोजेक्ट फाइल थी जब हमने स्टार्ट किया था, उस पोजिशन पर हमारी प्रोजेक्ट फाइल वापस आ चुकी है। और अगर आप हिस्ट्री पैनल में अब जाके देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी इवेंट्स नहीं है, न्यू और ओपन वाला इवेंट है बस। तो लास्ट चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इवेंट्स पैनल के बारे में। तो इवेंट्स पैनल हम यहाँ पे खोल लेते हैं। याद रखिएगा, किसी भी पैनल को अगर आपको खोलना है तो आप विंडो मेन्यू में जाके उसे यहाँ पे लोकेट करके ओपन कर सकते हैं।
तो मुझे इवेंट्स पैनल खोलना है, तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे और मेरा इवेंट्स पैनल आ गया। तो इवेंट्स पैनल अभी एम्प्टी दिखा रहा है, लेकिन काफी बार क्या होता है जब आप Adobe Premiere Pro के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपकी रैम फुल हो जाती है, आपके कुछ फाइल्स अनलिंक हो जाती हैं, कुछ फाइल्स प्लेबल नहीं रहती, प्रीमियर प्रो के अंदर अलग अलग एरर्स आते हैं, तो वो सारे एरर्स आपको यहाँ इस इवेंट्स पैनल पे दिखेंगे। उन एरर्स के कोड यहाँ पे आपको इवेंट्स पैनल पे दिखेंगे ताकि आप उन्हें ट्रबल शूट कर पाएं, उन्हें सॉल्व कर पाएं और अपने काम में वापस जा पाएं, एडिटिंग वापस कर पाएं सही तरीके से। तो इवेंट्स पैनल काफ़ी नेसेसरी रहता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रीमियर प्रो में कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर फाइल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, तो एक बार मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप इवेंट्स पैनल में जाके देखिए वहाँ पे कोई इवेंट्स अवेलेबल है कि नहीं। साथ ही साथ कुछ केसेस में प्रीमियर प्रो आपको इवेंट के नोटिफिकेशंस भी दिखा देता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉटम राइट कॉर्नर में, तो अगर आपकी रैम ज़्यादा यूज़ हो रही है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा अलर्ट का आइकन दिख जाएगा, तो उधर भी चेक करते रहें अगर आपका प्रीमियर प्रो राइटली वर्क नहीं कर रहा है, एक ऑर्डरली वे में वर्क नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, लाइक करना ना भूले WS Cube Tech के इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें WS Cube Tech के YouTube चैनल को। WS Cube Tech डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट जैसी फील्ड्स में भी वीडियो डेवलप कर रहा है, अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।